सुशांत की राजपूताले मामले में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि सुशांत मामला एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और इस पूरे मामले में एक और गवाह निकल के आ चुके हैं जिनका नाम रूप कुमार शाह है। रूप कुमार शाह कूपर हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर सुशांत की बॉडी लेकर गए थे। और कहा जा रहा है कि उस समय जब SSR की बॉडी वहाँ पहुँची, जब PM के लिए जा रही थी, तब कहा जा रहा है कि रूप कुमार शाह जो वहाँ मौजूद थे, उनका दावा था कि सुशांत के पैर टूटे थे, उनके गले पर जो निशान था वो किसी ने दबाया था, ऐसा निशान था, ना कि लटकने का कोई निशान था। और जिसके बाद आज ये मामला फिर से एक्टिव हो चुका है। आप सबको याद होगा 2020 के बाद भी कई सारे लोग निकल गए थे जिन्होंने दावा करा था कि सुशांत के साथ गलत हुआ है, सुशांत को ख़त्म किया गया है। और कई लोगों का दावा था कि सुशांत की हड्डी टूटी थी पैर की, सुशांत को जबरन मारा गया था, मतलब फाइट हुई थी सुशांत के साथ, किसी ने ऐसा कुछ किया था। जिसके बाद बहुत सवाल उठे, CBI आई इस पूरे मामले में, पर अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। जहां पर लोगों का दावा था कि दिशा सुशांत मामला एक दूसरे से कनेक्ट है, वहीं पर कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस जी ने अब कहा जा रहा है कि SIT का गठन कर दिया है जो दिशा केस की जाँच करेगी। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि दिशा केस की जांच CBI कर चुकी है, कुछ नहीं मिला, उनके लिए एक खबर बता दी जाए कि सुशांत केस की जांच CBI ने की थी, ना कि दिशा केस की। और अब दिशा केस की जांच करने वाली है SIT टीम। और प्रदीप भंडारी हो या फिर अर्णव गोस्वामी हो, दोनों पत्रकार दोबारा से अपनी बुलंद आवाज के साथ एक्टिव हो चुके हैं इस पूरे मामले में। और कहीं ना कहीं सुशांत राजपूत की सिस्टर भी अब लगातार बाहर आके न्याय की गुहार लगा रही हैं। सुशांत के फैंस पहले भी चुप नहीं थे, वो आज भी चुप नहीं है, उनको न्याय चाहिए तो चाहिए, वो न्याय के लिए आज भी बुलंद आवाज करके बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इस पूरे मामले में जो आई विटनेस कहा जा रहा है कि निकल के आए हैं, जिनका नाम रूप कुमार शाह बताया जा रहा है, जो कूपर हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको सिक्योरिटी भी दे दी गई है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो। और अब CBI बहुत जल्दी इनके साथ साथ कई लोगों के भी बयान दर्ज करने वाली है। और मुझे लगता है कि बयान दर्ज करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सुरजीत सिंह राठौर जो बहुत पहले निकल के आए थे इस पूरे मामले में, जिनका दावा था कि सुशांत को ख़त्म किया गया है, उन्होंने जब उनका शरीर देखा था तभी ये दावा कर दिया था, अब दोबारा से वो निकल के आ चुके हैं और उन्होंने कहा, ये बातें मैं पहले कह चुका हूँ कि सुशांत को ख़त्म किया गया है, ना कि उसने सुसाइड करी है। तो क्या CBI अब बहुत जल्दी इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने वाली है? और क्या जिस मंत्री की बात हो रही है, जिस बड़े राजनेता के बेटे की बात हो रही है, आखिरकार उसका नाम सामने निकल के आ जाएगा? क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत नाम निकल के आए, पर एक नाम बार बार निकल के आया, वो क्या था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो इंतज़ार करिए। CBI अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है, एक्टिव हो चुका है सुशांत मामला, और सुशांत मामले में दोबारा से हम आपके सामने एक्टिव हो चुके हैं, और ना पहले चुप थे, ना अब चुप है, ना आगे चुप होने वाले हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।